बरेली से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने शामली के एक गांव में पहुंचकर मृतक छात्रा सोनी कश्यप के परिजनों से मुलाकात की और हत्यारोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने संबंधित दारोगा से फोन पर बात भी की और कहा, मामले को मैं शासन में उठाऊंगा और कल आपने यहां का सुना होगा, संसद के सामने भी पूरा कैंडल मार्च निकाला गया। घटना का मालूम है, पूरा समाज हमें इतना आक्रोशित है, पूरा समाज प्रदेश का, कि जितने नेता इकट्ठे होकर के सारे इसमें विशेष इसलिए रुचि ले रहे हैं, इसलिए कोताही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सारे मुलजिम हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। और सारी नहीं, वो गांव घर पे ही बैठा हूँ मैं, इनके मैं इसीलिए आया, साल सारे घर लिंटर तक तोड़ दो, इतनी सख्ती के साथ अपराधियों को इस बात का खौफ हो पुलिस का कि किसी घटना के साथ हमने कुछ किया है तो उसकी सजा मिली है। हाँ, बस रास को लगाइए इसमें, बस ठीक, बस। बीजेपी सांसद ने इस मामले में मीडिया से बात करते हुए भी कहा, आप देख रहे हैं गुंडों को या तो जेल भेजा जा रहा है और नहीं सीधे सीधे उनको ऊपर भेजने की तैयारी की जा रही है। निश्चित तौर पर ये जो घटना आपकी है ये बहुत ही निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, बस मैं इतना आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे किसी स्तर तक जाना पड़े। अभी हमारे यहाँ 23 तारीख को माननीय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है जी। इसमें कल पंचायत में कहा गया था कि अगर 21 तारीख को मुख्यालय पे उनकी मांगों को, 3 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया गया तो घेराव किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर कार्यक्रम को प्रभावित करते हुए घेराव किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। इसी घटना को लेकर तो उससे पहले हो जाएगा कार्रवाई, इससे पहले हो जाएगी। तो सुना आपने, सांसद महोदय ने बरेली में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के आने से पहले कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें कि परिवार वालों का आरोप है कि हत्या के आरोपी अमरपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अन्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। आनंद प्रकाश, अमर उजाला टीवी, शामली।